पोस्ट बैंक की खाते के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि इसमें कितनी सारी फैसिलिटीज दी जाती है। ये बैंक अब बाकी सारे बैंकों की तरह भी डिजिटल हो चुका है। इसमें भी अब बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि SMS बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड, चेकबुक। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ऑनलाइन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करेंगे इसकी पूरी प्रोसेस लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में IPPB इट मीन्स इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। इसे ओपन कर लेना है। आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है, फिर अलाउ कर देंगे। उसके बाद अगर आप पहले से ऑलरेडी अकाउंट खोल रखे हैं तो लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ओपन योर अकाउंट नाउ पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे नीचे, यहाँ पे पिन कर नंबर डाल देंगे और कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे नीचे क्लिक कर देंगे। क्योंकि मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, OTP यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको OTP नहीं मिलता है तो आप रीजनरेट OTP पे क्लिक करके दोबारा से OTP ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, री आधार कार्ड का नंबर डालेंगे दोबारा से और दोनों पे टिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास वर्चुअल ID कार्ड है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP भेजा जाएगा। OTP फिर यहाँ पे फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये 5 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको पहले इसमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। उसके बाद ये आधार कार्ड से आपका नाम वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मदर्स नेम डाल देंगे। उसके बाद वाइफ या हस्बैंड नेम जो भी होगा डाल देंगे, नहीं होगा तो इसे छोड़ देंगे, ऑप्शनल है। उसके बाद फिर यहाँ पे मदर्स नेम डाल देंगे दोबारा से, फादर्स नेम ये, उसके बाद फिर यहाँ पे फादर्स नेम डाल देंगे। यहाँ पे एक मेल ID हो तो डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। नीचे आएंगे और पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम हो तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक कर देंगे। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। आपका पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नॉमिनी डिटेल पे आप भरेंगे। अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, इसे बाद में भी आप भर सकते हैं। चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे इंडियन रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है, आप क्या करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ग्रॉस एनुअल इनकम डाल देना है, आप साल में कितना कमा लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन लेवल चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आप पॉलिटिकल पर्सन हैं तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं या नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो यस रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अपना स्टेटमेंट किस थ्रू आप लेना चाहते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे, अगर आप बाई पोस्ट लेना चाहते हैं तो पोस्टल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नो आई डोंट वांट टू चेंज DBT मैपिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका 5वां इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपको क्या क्या चाहिए, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, मिस्ड कॉल बैंकिंग। आपको जो जो नहीं चाहिए आप उसे अनटिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका पूरा इन्फॉर्मेशन ये आधार कार्ड से ले लेगा। अगर आपको कोई डिफेक्ट लगता है तो आप एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी दिखा रहे हैं, नॉमिनी आप बाद में भी फिल कर सकते हैं, पूरा आपको ध्यान से देख लेना है। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP यहाँ पे डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे कस्टमर ID अकाउंट नंबर दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है और गो टू होम बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। आपको लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, कस्टमर ID डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर हो जाएंगे और मोबाइल बैंकिंग का यूज कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कॉमेंट करके आप पूछ लें।